हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर बयान देते हुए कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान फिर भी दिल्ली जाना चाहते हैं। इसका मतलब उनका मकसद कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर सरकार बातचीत करने से पीछे नहीं हट रही। बार बार उन्हें बातचीत के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी यह प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, ये समझ के बाहर है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी कॉल वापस ले लेनी चाहिए और सरकार से बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। देखिए, किसानों का मकसद दिल्ली जाने का अगर इसलिए है कि केंद्र सरकार से बात हो, तो बात तो केंद्र सरकार दिल्ली से यहाँ आकर कर रही है। दो बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। सर, स्थिति को संभालने के लिए क्या क्या सरकार की तरफ से? नहीं, पूरी तरह से तैयारियां हैं। हम शांति भंग नहीं होने देंगे और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी कॉल को विड्रॉ करें, वापस लें अपनी कॉल को। और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं बार बार सरकार कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई तो दिल्ली पर या हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा, हल तो बातचीत करो। और सरकार तैयार है, सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको कोई बिल्कुल हमारे जो अधिकारी हैं पूरी तरह से नियंत्रण रखे हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं, वैसे में केंद्र सरकार देखिए ऐसा बातचीत करने से ही होता है और बातचीत सरकार कर रही है, सरकार कहीं भी बातचीत से भागी नहीं है। हाँ, मंत्री जी तो बार बार कह रहे हैं कि बातचीत आगे भी चल सकती है, बहुत सारे बिंदुओं पर सहमति बनी भी है, पर अब समय सीमा रख के करना। और कर्ज माफी के ऊपर किसान नाराज थे कल की। देखिए ऐसा है, ये तो जो लोग बातचीत में शामिल हुए वो ही सही स्थिति बता सकते।